स्वागत है आपका ऑनलाइन वीडियो में। कल हम लोग पढ़े थे भौतिक विज्ञान, कल स्टार्ट भी किए थे कक्षा 12 का, उसमें पढ़े थे स्थिर वैद्युतीय में वैद्युत आवेश, आवेश क्या होता है, कैसे आवेश का नामकरण किया गया, कैसे आवेश के प्रकार को बताया गया और आवेश में कौन कौन से गुण होते हैं, इसके बारे में चर्चा कल की जा रही थी। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। फिर आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी बताया गया कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ पे जाते हैं तो जिससे निकल गए उस पर धनावेश हो जाता है और जिस पर पहुंचते हैं उस पर ऋणावेश हो जाता है। इतना तक कल हम लोग पढ़े थे और फिर हम लोग दो इसमें पढ़ लिए थे आवेशों के मूलभूत गुण में दो हम लोग हेडिंग पढ़ चुके थे। पहली हेडिंग थी कि आवेश जो होते हैं उनमें आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण होता है। वे क्या करेंगे कि अगर दूसरा उनके समान का आवेश है, धनावेश के साथ अगर धनावेश है तो प्रतिकर्षित करेंगे और अगर ऋण आवेश है तो आकर्षित करेंगे। तो कल ये दो हो गया था। और फिर आवेश संरक्षण का नियम भी हम लोग पढ़े कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और बताया गया था कि ये तब तक थ्योरी सही थी जब तक आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत वाला समीकरण नहीं आ गया। आइंस्टीन ने बताया, जो कि हम लोग कल पढ़ रहे थे उसी के आगे शुरू करते हैं, आवेश के संरक्षण में ही वो पहला था, इसी में नंबर बी करके लिख देते हैं। आइंस्टीन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऋण आवेश और एक धनावेश जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, यानी नष्ट हो सकते हैं, आवेश नष्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो धनावेश होता है उसको प्रोटॉन न करके पॉजिट्रॉन कहा गया। पॉजिट्रॉन क्या होता है? तो पॉजिट्रॉन एक धनावेश होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन के जितना ही ऋण आवेश का चार्ज होता है बस उससे धनावेश उतनी ही मात्रा में होता है और उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है बल्कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो उसमें दूसरा नियम है आवेश के संरक्षण में जिसको हम लोग कहते हैं युग्म विनाश। इसको आप लोग जब सेकेंड भाग शुरू होगा फिजिक्स का तो वहां पे फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, युग्म उत्पाद और युग्म विनाश करके फिर से वहां पढ़ाया जाएगा। फिलहाल देखिए युग्म विनाश में क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कहें, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और नष्ट करके ये दो गामा फोटॉन बनाते हैं। दो गामा फोटॉन यानी ऊर्जा निकलती है गामा किरणों के रूप में, ठीक है। तो ये जो नियम है इसको हम लोग कहते हैं युग्म विनाश का नियम, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों मिलके आपस में मिलके समाप्त हो जाते हैं और उतनी मात्रा में एनर्जी गामा के रूप में, गामा किरणों के रूप में उतनी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। ये हो गया युग्म विनाश। और इसी में थर्ड है आपका युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन यानी अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नष्ट हो रहे हैं, गामा फोटॉन मिल रहे हैं, तो गामा फोटॉन क्या फिर से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हमको दे सकता है? आंसर है जी, दे सकता है। कैसे? तो होता क्या है कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी H2O फोटॉन की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या फोटॉन की उपस्थिति में गामा किरणें, यानी गामा किरणें, गामा गामा ये रूप में, जब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी पदार्थ पर गिरते हैं, किसी पदार्थ के परमाणु पर गिरते हैं तो नाभिक के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये जो गामा किरणें हैं या गामा फोटॉन है ये नाभिक के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और जब नाभिक के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं तो नाभिक एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न करता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन वो नाभिक उत्पन्न भी करता है, इसीलिए इसको हम लोग युग्म उत्पादन कहते हैं। युग्म उत्पादन क्या होता है कि गामा किरणें जब किसी पदार्थ के नाभिक पर गिरती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी H2O में, तो वो नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, वो एनर्जी नाभिक द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वहां से बाहर निकलती है, ठीक है। युग्म विनाश और युग्म उत्पादन, इन दोनों को नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग आवेशों के मूलभूत गुण में तीसरा देखते हैं। और तीसरा है आवेशों की
आवेशों की योज्यता का गुण, आवेशों की योज्यता, आवेशों के पास ये जो मूलभूत गुण है उसमें ये है आवेशों की योज्यता का गुण। ये गुण क्या है देखिए कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, एक एक पदार्थ है और इस पर हमने 10 धन आवेश दिया है। दूसरा कोई पदार्थ है, इस पर हमने 5 धन आवेश दे दिया। तीसरा कोई पदार्थ है, इस पर हमने 4 ऋण आवेश दे दिया। और चौथा कोई पदार्थ है, इस पर हमने 8 ऋण आवेश दे दिया। पहले पदार्थ पे 10 धन आवेश मान लेते हैं, ए पदार्थ है, फिर दूसरा पदार्थ बी है जिसपे 5 धन आवेश, तीसरा पदार्थ सी है जिसपे 4 ऋण आवेश, और चौथा पदार्थ डी है जिसपे 8 ऋण आवेश है। सबसे अलग अलग मात्रा में आवेश है। अगर हम इनको मिला दें, इन सभी पदार्थों को एक साथ रख दें, तो पूरे पदार्थ का कुल कितना आवेश होगा? अगर हम सबको मिला के एक पदार्थ बना दें, आपस में टच करा के सभी को मिला दें, तो पूरे पदार्थ पर कुल कितना आवेश होगा? तो आंसर है, पहले पदार्थ पे धन आवेश है तो 10 है, तो 10 धन आवेश। दूसरे पदार्थ पे प्लस 5 धन आवेश है, तो प्लस 5 हो गया। तीसरे पदार्थ पे -8 ऋण आवेश, -4 ऋण आवेश, ऐसे करके ऋण आवेश, तो कुल इतना ही तो हुआ, +10 +5 -4 और -8। अब इसमें से 8 और 4, ये जो 8 और 4 है ये माइनस में है, तो -12 हो गया, और ये 10 और 5 15 हो गया, मतलब धन आवेश 15 है और ऋण आवेश कितने हैं? 12। तो 12 धन आवेश और 12 ऋण आवेश मिलके समाप्त हो जाएंगे। ये आप लोगों को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जितने प्लस होते हैं अगर उतने ही माइनस हो जाए तो टोटल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यहाँ पे देखिए 12 ऋण आवेश है और 15 धन आवेश है, तो 15 धन आवेश में से 12 धन आवेश और 12 ऋण आवेश समाप्त हो जाएंगे, बचेगा कितना? 3 धन आवेश। यानी जब इस सबको देखेंगे तो +10 और +5 -8 -4, ये जब सबको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? +3। यानी उस पदार्थ पर टोटल कितना आवेश होगा? तो आंसर है +3 धन आवेश होगा। तो इसमें किया क्या गया है कि जितना धन आवेश है और जितना ऋण आवेश है सबको जोड़ लिया गया है, धन आवेश को जोड़ लिया गया है, ऋण आवेश को जोड़ लिया गया है, फाइनल जितना आंसर आया है वही आपका उस पूरे पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। और इसी को हम लोग कहते हैं आवेशों की योज्यता, कि यदि अलग अलग पदार्थों पे Q1 Q2 Q3 .. Qn आवेश हो तो पूरे पदार्थ पर कुल कितना आवेश होगा? तो आंसर है सबको अदिश रूप में सीधे सीधे जोड़ लीजिए। तो आवेशों की योज्यता में है कि यदि लिख लेते हैं इसको, यदि n पदार्थों पर Q1 Q2 Q3 .. Qn आवेश उपस्थित हो, Q1 आवेश उपस्थित हो, तब संपूर्ण निकाय मतलब सबको एक साथ अगर हम देखें, सबको एक साथ ले लिया जाए तो उसको बोलते हैं संपूर्ण निकाय। तो संपूर्ण निकाय पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होगी? उपस्थित आवेश की मात्रा अलग अलग, जो अलग अलग आवेश हैं, अलग अलग आवेशों की मात्राओं के बीजगणितीय योगफल, या इसको बोलते हैं अदिश योगफल, बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यह है आवेश का योज्यता का मूलभूत गुण, कि अगर अलग अलग पदार्थों पे अलग अलग प्रकार के आवेश हैं, पूछा जाए कुल कितना आवेश है, तो सबको जोड़ दो, प्लस को प्लस के साथ जोड़ दो, माइनस को माइनस के साथ जोड़ दो, उसके अतिरिक्त जोड़िए घटा दो, जैसे भी करके, तो यहाँ पे निकल जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर टोटल आवेश क्यू है तो क्यू बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस, अगर n आवेश है तो प्लस .. Qn। अब इसमें कुछ आवेश प्लस में भी हो सकते हैं, कुछ आवेश माइनस में भी हो सकते हैं, जैसे भी करके हो उन सबको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, ये हो गया आवेशों की योज्यता, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चौथा देखते हैं हम लोग, चौथा कह रहा है कि आवेशों की, नंबर 4,
क्या आवेश पर वेग का प्रभाव पड़ता है? क्या आवेश पर वेग का प्रभाव पड़ता है? कहने का मतलब कि अगर कोई पदार्थ है, मान लीजिए एक पदार्थ है ए, ये रुका हुआ है, पहले ये रुका हुआ है, देखिए इधर, ये आवेश, ये कोई एक पदार्थ ए है, ये पहले रुका हुआ था और इस पर हमने 5 धनावेश दे दिया, ठीक है, इस पर हमने 5 धनावेश दे दिया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इस पदार्थ को हम गति करा रहे हैं, इस पदार्थ को हम गति करा रहे हैं कुछ वेग से, और गति कराते हुए हम किसी समय यहाँ पहुंच गए। तो अभी बताइए इस पर यहाँ पे कितने आवेश होंगे? आंसर है 5 ही होंगे, जितना पहले आवेश थे उतने ही अब भी होंगे। आवेश कहीं जाएंगे? नहीं। आवेश कहीं से आएंगे? नहीं, क्योंकि पहले 5 आवेश थे, उसके बाद हमने इस पदार्थ को गति कराया, तो इस पर अभी भी उतने ही आवेश होंगे 5। जब तक हम आवेश ये समाप्त कब होंगे? जब इनको हम प्लस को माइनस के साथ लेते हैं तब समाप्त होंगे, या फिर बढ़ेंगे कब? जब हम इसमें और प्लस देते हैं। यानी अगर हम किसी पदार्थ को गति करा रहे हैं तो आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वही है आवेश पर वेग का प्रभाव, कि आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कोई भी पदार्थ कितना ही वेग से गति कर रहा हो, उस पर अगर 10 आवेश है तो उस पर 10 ही आवेश रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उस पर 9 आवेश हो गया या उस पर 11 आवेश हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए आवेश पर वेग का प्रभाव, उसमें लिखिए किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा उसके वेग पर निर्भर नहीं करती है, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा उसके वेग पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, उसके वेग पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। इसका मतलब कि पदार्थ कितना भी वेग से गति कर रहा हो तो कोई आवेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पांचवा है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, चलिए देखा जाए। आप ये पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पदार्थ ए है, मान लीजिए इसमें नाभिक है, नाभिक में कुछ प्रोटॉन है और इसके बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए नाभिक में 10 प्रोटॉन है और इसके बाहर 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ओके। हमने कहा कि जब हम इसको दूसरे पदार्थ से रब कराते हैं, जब इसको दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं, तो मान लीजिए इसमें 5 प्रोटॉन थे और इसके बाहर बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये पदार्थ ए है, ये पदार्थ बी है, पदार्थ ए का परमाणु और पदार्थ बी का परमाणु, जब इनको आपस में रब किए ऐसे रगड़े, तो इस पर पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन थे, हुआ क्या, रगड़ने से इस पर जो 10 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कितने, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले गए, तो इस पे हो गया कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो -7 हो गया, और इस पे हो गया -8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब बच गया 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इस पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ठीक है। तो अगर +10 में से -8 को घटाएंगे तो +2 मिल जाएगा, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया उस पे धन आवेश आ गया, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे उस पर ऋण आवेश आ गया, कितने का धन आवेश, तो 2 का धन आवेश, कितने का ऋण आवेश, तो 2 का ऋण आवेश। तो ये जो धन आवेश हो रहा है, यानी ये जो आवेश की मात्रा और ये प्लस 2, ये जो आवेश की मात्रा और ये प्लस 2, ये निर्भर किस पे कर रही है, तो ये निर्भर उस पे कर रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जाता तो यहाँ पे आवेश की मात्रा कितनी होती, +1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं तो आवेश की मात्रा कितनी है, +2। अगर इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले जाएं तो इस पे कितने धन आवेश हो जाता, +5। यानी जो आवेश की मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल के गए, और साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर करती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ये है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा में नहीं जाता है, कि ऐसा नहीं होगा कि रब कर दिया जाए, रगड़ दिया जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ना जाने के बजाय 1.5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा एक एक के रूप में ही जाएगा।
खड़ा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन जाए, तिहाई इलेक्ट्रॉन जाए, ऐसे नहीं होगा। यानी जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा, कभी ढाई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो इसको कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, कि किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन पर तो निर्भर करती ही है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकल गई है, और साथ ही साथ उसकी संख्या पर भी निर्भर करती है। तो किसी पदार्थ पर कितना आवेश उपस्थित होगा वो किस पे निर्भर किया, इलेक्ट्रॉन, और साथ साथ कितने इलेक्ट्रॉन उससे गए। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन गए तो दो इलेक्ट्रॉन का धनावेश होगा, तीन इलेक्ट्रॉन गए तो तीन इलेक्ट्रॉन का धनावेश होगा। यानी कहा जाता है कि Q बराबर होता है Ne, यानी किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इसको कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। और इसके सिद्धांत से हमको ये पता चलता है कि किसी पदार्थ पर उपस्थित जो आवेश होता है वो कभी भी ढाई के रूप में नहीं हो सकता है, ढाई इलेक्ट्रॉन के रूप में नहीं हो सकता है, डेढ़ इलेक्ट्रॉन के रूप में नहीं हो सकता है, वो हमेशा एक पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यानी जहाँ एन का मान हमेशा, जहाँ एन का मान हमेशा या तो जीरो हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन ना जाए, या तो एक हो सकता है, या तो दो हो सकता है, या तो तीन हो सकता है, ऐसे करके अनंत हो सकता है, लेकिन कभी भी डेढ़ नहीं होगा, ढाई नहीं होगा। ठीक है, तो किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू बराबर होता है एन इंटू ई के। यह है आवेश का क्वांटीकरण, जहां एन का मान होता है जीरो, एक दो, तीन, चार। नोट कर लीजिए इसको, बोले देखिए, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा सदैव निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। Q बराबर एन ही होता है, जहाँ एन का मान एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ भी हो सकता है, और यहाँ पे E का जो मान होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम के बराबर होता है। कूलाम को कैपिटल C से दिखा रहा है आवेश का मात्रा। आगे अभी चर्चा भी होगी इसके बारे में, आवेश के मात्रक पे, कूलाम का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो n का मान 1, 2, 3, 4, 0, E का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो आपको अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से प्लस लगा देना है। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उस पर यहाँ पे माइनस का प्रयोग कर देना है। तो देखना आपको है कि इलेक्ट्रॉन उस पर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कितना इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलाम बनाएगा। कक्षा 10 में तो आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, बोर्ड परीक्षा में अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछा भी जाता था, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आवेश की मात्रा जो हम लोग कैपिटल क्यू दिखा रहे हैं किसके बराबर है, आवेश की मात्रा कह रहा है एक कूलाम है, और पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है आपसे, एन पूछ रहा है, एन का मान। ठीक है, तो चलो हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं कि क्यू बराबर होता है एन ई, उसी से लगाते हैं। क्यू बराबर होता है एन ई, क्यू कितना है एक कूलाम बराबर एन हमको नहीं पता, और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कूलाम इधर भी है, कूलाम इधर भी है, कूलाम से कूलाम कट जाएगा, एन निकालना है तो ये इधर आएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, इधर लिख देते हैं, तो एन बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, कूलाम से कट गया है, -19 ऊपर जाएगा, ऋण 19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा,
10 के पावर 19 और बटा में 1.6, ठीक है, एक जूड़े, ऐसा हो गया। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो जगह 10 बटा में 16 बटे 10 के पावर माइनस 10 के पावर 19। अब एक काम करते हैं, 16 से ये देखिए छोटा है, 10 छोटा है, तो एक यहाँ से 10 बढ़ा लेते हैं, यहाँ से एक 10 बढ़ाएंगे तो इसमें से एक घात कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटा में 16 और बुढ़े 10 के पावर 18। अब भाग देंगे 16 बचे 80, 16 चूंकि 96, तो हो जाएगा इधर ले लेते हैं एन बराबर हो जाएगा 16 चूंकि 96, 4 बचेगा तो 10 मिलो बढ़ा दिए 40 हो गया, 16 दो के 32, 8 बच गया तो 80 हो जाएगा, 16 बचे 80 हो जाता है तो 10 के पावर 18। हमारा आंसर निकल के आया 6.25 गुणे 10 के पावर 18। और मात्रा लिख लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में। इसी टाइप का जितना भी सवाल होगा आप लोग घर पे करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कूलम के नियम के साथ।